नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 30 नवंबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में अपना के नाम से कारोबार करने वाले अपना स्वीट से अमानक खाद्य सामग्री बेची जा रही है। त्योहारों के मौसम में अपना स्वीट से लिया गया बर्फी का सैंपल खाद्य विभाग की इंदौर लैब में जांच में अमानक पाया गया है। यानी ब्रांड के नाम पर ग्राहकों से सीधे सीधे धोखाधड़ी कर उन्हें खराब सामग्री प्रदाय की जा रही थी। दरअसल त्योहारों के मौसम में खाद्य विभाग की टीम ने शहर में खाद्य सामग्री बेचने वाले संस्थानों के सैंपल लिए थे। इनकी रिपोर्ट हाल ही में आई है। इसमें देवास रोड स्थित अपना स्वीट से लिया गया बर्फी का सैंपल अमानक स्तर पर पाया गया है। अमानक का मतलब अपना स्वीट से बिक रही बर्फी उन मानकों को पूरा नहीं करती जो बर्फी में होने चाहिए। खाद्य विभाग ने ऐसे में फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि देवास रोड और महाकाल मंदिर क्षेत्र में स्थित अपना स्वीट्स पड़ोसी शहर इंदौर की फर्म है। यहाँ के खाद्य सामग्री में अक्सर शिकायत मिलती रहती है। ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत को चरितार्थ करते हुए इस प्रतिष्ठान से अमानक सामग्री का बिकना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अपना स्वीट्स के साथ ही कुछ और फर्मों के सैंपल भी फेल हुए हैं। इन प्रतिष्ठानों से भी सैंपल त्योहार के दौरान लिए गए थे। इनमें यथार्थ एजेंसी फ्रीगंज की मावा कतली और लड्डू, श्री महाकाल ट्रेडिंग कंपनी दानीगेट हींग गोंद गेहूं का आटा, फन एंड फूड नागजरी की रोस्टेड ब्रेड, स्वीटनर सैकरीन के सैंपल भी फेल हुए हैं। इस संबंध में अपना स्वीट्स के एमडी प्रकाश राठौर ने बताया कि खाद्य विभाग ने जानबूझकर उनका सैंपल फेल करने की साजिश रची। इन सैंपलों की जांच इंदौर की लैब में कराई गई, जबकि सेंट्रल लैब भोपाल में जांच होनी थी। विभाग की रिपोर्ट को हम पुणे की लैब में चैलेंज कर रहे हैं। नगर निगम का खाली खजाना भरने के लिए नगर निगम बड़े बकायेदारों का मामला लोक अदालत में रखेगा। 11 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में नगर निगम की तरफ से 200 से ज्यादा बड़े बकायेदारों के मामले रखे जाएंगे। निगम प्रशासन का पूरा फोकस वसूली पर है, इसके चलते बड़े बकायेदारों के घरों पर जाकर भी वसूली की जाएगी। दरअसल कोविड के कारण नगर निगम का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालत ये है कि खजाना खाली होने से नगर निगम अपने ठेकेदारों को भुगतान नहीं कर पा रहा है। माली हालत खराब होने के चलते निगम के निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। इसके चलते निगम का पूरा फोकस वसूली पर है। निगम बड़े बकायेदारों के नाम अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर रहा है। इसके साथ ही वह वसूली के अन्य प्रयास भी कर रहा है। सहायक संपत्ति कर अधिकारी तेज करण गुनावदिया ने बताया कि बड़े बकायेदारों के मामले लोक अदालत में भी रखे जा रहे हैं। इसके अलावा इनके घरों पर जाकर वसूली की कोशिश भी की जा रही है। अभी 11 दिसंबर को शासन की तरफ से नेशनल लोक अदालत है और नेशनल लोक अदालत में हमने 11 तारीख की पूरी तैयारी कर ली है और इसके अंदर हम कल रैली भी निकाल रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एलईडी के माध्यम से भी हमने नहीं तो हर चौराहे पे एलईडी लगी है उसमें भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इसका लाभ उठाएं और नगर विकास में ये हमने 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है कि लोक अदालत में हम 3 करोड़ रुपये वसूल करेंगे और इसके आधार पर हमने नहीं तो जज साहब के माध्यम से हमने बड़े बड़े बकायेदारों को नहीं तो सूचना उन्होंने करी है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वसूली करें और ये नगर विकास में ये राशि काम आएगी ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। भोपाल में सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर एक परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के सीएम के आदेश पर उज्जैन में भी सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर के 3 थानों में कर्जा एक्ट के 3 मामलों में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूदखोरी करने में महिलाएं भी शामिल हैं। ये 10 से लेकर 40% तक ब्याज पर लोगों को कर्जा देकर वसूली कर रहे हैं। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने आगर रोड स्थित चंदन नगर में रहने वाले मोहम्मद अकील खान और आसिफ की शिकायत पर रईसा बी के खिलाफ कर्जा चुकाने के लिए दबाव बनाने का मुकदमा दर्ज किया है। अकील ने रईसा से 10,000 रुपए लिए थे जो उसने 40% ब्याज पर दिए थे। दोनों अब तक 60,000 रुपए दे चुके हैं लेकिन वह अभी भी रुपए बाकी बता रही है और धमका रही है। आसिफ से रईसा 5,000 रुपए का 2 साल से लगातार ब्याज वसूल रही है। पुलिस ने उसके खिलाफ कर्जा एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया है। दूसरा मामला नीलगंगा थाने में दर्ज हुआ है। परवाना नगर निवासी इंदिरा बाई ने व्यास नगर निवासी जगदीश और उसके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत की है। महिला ने बताया कि उसने 4 साल पहले जगदीश से 3.5 लाख रुपए का कर्जा लिया था। 5% ब्याज पर लिए रुपयों को लौटाने के लिए आरोपी उसे आए दिन धमका रहे थे। महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तीसरा मामला माधव नगर थाने में दर्ज हुआ है। महावीर एवेन्यू निवासी दिनेश टटावत ने देसाई नगर निवासी नरेंद्र यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कुछ साल पहले नरेंद्र से दिनेश ने 50,000 रुपए ब्याज पर लिए थे और अब तक वह पूरी राशि ब्याज सहित लौटा चुका है लेकिन आरोपी और रुपए मांगते हुए उसका चेक भी वापस नहीं कर रहा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
देवास इंदौर बाईपास पर बसी साईं बाग कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार को साईं बाबा का प्रकट उत्सव मनाया। 7 साल पहले मंदिर के प्रवेश द्वार के बगीचे के पास स्थित मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस दिन कॉलोनी वासी प्रकट उत्सव मनाते हैं। कार्यक्रम के तहत पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी में साईं जी को विराजित कर साईं बाग, साईं विहार, साईं स्मृति कॉलोनी होते हुए महालक्ष्मी नगर ले जाया गया। महालक्ष्मी नगर में स्थित हनुमान मंदिर में दोनों बाबा का मिलन हुआ। यहां से पालकी यात्रा ने मंदिर के लिए वापसी की। पालकी यात्रा जहां जहां से गुजरी, रहवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। शाम को मंदिर में भंडारा आयोजित किया गया। इसमें चारों कॉलोनियों के साथ हामूखेड़ी, नागझिर के श्रद्धालु भी शामिल हुए। साईं बाग मंदिर संस्था के अध्यक्ष सुधीर भार्गव ने बताया कि 7 साल पहले मंदिर में प्रतिमा की स्थापना की गई थी। बाबा का प्रकट उत्सव धूमधाम से हर साल उसी तारीख को मनाया जाता है। पालकी यात्रा और भंडारे के कार्यक्रम इस दौरान होते हैं। ये पालकी यात्रा हमारा जो साईंबाग मंदिर है, साईंबाग में साईं बाबा का मंदिर है, इसमें 7वां प्रकटोत्सव है बाबा का। आज 7 साल हो गए बाबा के मंदिर की स्थापना किए हुए। उसकी खुशी में हर साल हम लोग ये पालकी यात्रा और भंडारा करते हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर 4 दिसंबर को पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:59 से होगी। दोपहर 1:04 पर सूर्य का 103.6% भाग ढक लेगा। इसके मोक्ष काल की शुरुआत दोपहर 3:07 पर होगी। पूर्णता की अवधि 1:57 की होगी। हालांकि ये ग्रहण देश में नहीं देखा जा सकेगा। यह अंटार्कटिका, अफ्रीका के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, अटलांटिक सागर तथा हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में दिखाई देगा। दरअसल पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ऐसे में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के कुछ भाग तक नहीं पहुंच पाती और वहां अंधेरे की स्थिति बन जाती है। घोसला के समीप बाइक से जा रहे माँ और बेटे को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि माँ की मौत हो गई और बेटा घायल हो गया। पुलिस ने मामले में मर कायम कर ट्रक जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उमाबाई पति गंगाराम शर्मा, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम कलमोई थाना कानड़, अपने बेटे लखन के साथ बाइक से खेड़ा खजूरिया स्थित अपने मायके में गमी के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहां से लौटते वक्त घोंसला के समीप बाइक को तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उमाबाई की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि लखन घायल हो गया। पुलिस ने चालक पर प्रकरण दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया है। घर के सामने ऑटो रिक्शा खड़ा करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बदमाशों ने हथियारों से पिता पुत्र पर हमला कर दिया। चिमनगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक साहिल और उसके पिता कलीम खान निवासी चंदन नगर मजदूरी करते हैं। जब वह पिता के साथ मजदूरी कर घर लौटा तो कान्हा पिता राजेश ने उनके घर के सामने ऑटो रिक्शा खड़ा किया था। जब साहिल ने कान्हा को ऑटो हटाने को कहा तो कान्हा और राजेश ने मारपीट शुरू कर दी। कान्हा ने साहिल पर सब्बल से और राजेश ने कलीम पर तलवार से हमला कर दिया। परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है और अब आगर मालवा में बर्ड फ्लू की आहट से लोग सहम गए हैं। दरअसल शहर में पिछले 3 दिनों में 48 कौओं की मौत हो गई। इन मौतों के पीछे की वजह बर्ड फ्लू वायरस को बताया जा रहा है। मंगलवार को प्रशासन ने बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने अधिकारियों की आपात बैठक लेकर मटन और चिकन दुकानों को 8 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाली ये बीमारी दरअसल एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण फैलती है। इस वायरस की चपेट में आने से पक्षियों की मौत होती है। ये वायरस इंसानों के लिए भी खतरनाक है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे जान जाने का खतरा भी है। ये वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। इंसानों में बर्ड फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे होते हैं। सांस लेने में तकलीफ, बुखार, नाक बहना, वॉमिटिंग का मन होगा, सिर, मांसपेशियां और पेट के निचले हिस्से में दर्द आदि इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इंसानों में यह बीमारी मुर्गियों और संक्रमित पक्षियों के संसर्ग यानी बेहद करीब रहने से होती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस वायरस के फैलने पर नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। इधर सोमवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री था, जो मंगलवार को 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 1 डिग्री के उछाल के साथ 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश की रक्षा में अपने प्राण गंवाने वाले अमर शहीद बलराम जोशी की जयंती शहीद पार्क स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर मनाई गई। कवि दौलत सिंह दरबार और संतोष सुपेकर ने अमर शहीद के सम्मान में कविता पाठ किया। जम्मू में हुई 56वीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक स्पर्धा में उज्जैन के दीपेश लश्करी ने हॉरिजॉन्टल बार एवं पैरेलल बार जिम्नास्टिक इवेंट में 2 स्वर्ण पदक और ऑलराउंडर में कांस्य पदक जीता।
स्पीक मैके एवं IOCL के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिनी नृत्य कार्यशाला के पहले दिन मंगलवार को कथक नृत्यांगना यामिका महेश ने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय पानदरीबा और शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय भैरवगढ़ में प्रस्तुति दी। रतलाम में हुई संभागीय बास्केटबॉल स्पर्धा में उज्जैन कॉर्पोरेशन की पुरुष वर्ग टीम ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। वार्ड वार सफाई योजना का 100% पालन सुनिश्चित करने के आदेश निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने वार्ड के नोडल अधिकारी को दिए हैं। कोरोना के विरुद्ध कार्यवाही को प्रभावशाली बनाने के लिए निगम आयुक्त ने नामांतरण, भवन निर्माण, जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य कार्यों के निगम कार्यालय आने वाले शहरवासियों से वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य लेने का आदेश दिया है। नगर पालिका निगम के स्वामित्व की देवास गेट क्षेत्र स्थित बिहार लॉज की मरम्मत की जाएगी। निगम आयुक्त ने बिहार लॉज और सीवरेज लाइन की मरम्मत 24 घंटे में करवाने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर बिहार लॉज व उसके कमरों को सीज कर दिया जाएगा। नगर निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारी रशीद रहमान किशोरा कस्तूरा का विदाई समारोह आयोजित किया। कर्मचारियों को प्रमाण पत्र, शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।